जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। बाल भक्त ओम प्रकाश जी का चरित्र हम सुन रहे हैं, उनके लेख। लेख का नाम है मिलन। कल हमने सुना था कैसे बाल भक्त ओम प्रकाश जी नंद भवन में बार बार जा करके श्री कृष्ण से मिलने का प्रयास करते हैं और बार बार मधुमंगल जी उन्हें देख लेते हैं। तो कल से आगे सुनते हैं। मधुमंगल जी कहते हैं, तो क्या जब पूरी नाक छिल जाती तब काम पूरा होता? फिर मैंने गौर से देखा, उसकी नाक से खून बह रहा था, परंतु इस बात का उसे पता भी नहीं था। मेरे कहने से उसने नाक पर हाथ रखा तो खून से हाथ लथपथ हो गया। बाद में आप शर्मा कर बोले, नहीं जी, मुझे पागलपन की बीमारी है। मैंने कहा, मैं आपका पागलपन खूब समझता हूँ। जब आपका ज़रूरी काम पूरा नहीं होता तब बीमारी का दौरा हो जाता है। लेकिन मेरी तो श्रीमान से यही प्रार्थना थी और है कि यदि मुझ सेवक को तभी आज्ञा दी होती तो 2 मिनट में आपका काम बन गया होता। मधुमंगल जी कहते हैं ये, और ऐसी सफाई से ज़रूरी काम होता कि श्रीमान को कंडा चूमने, चाटने और लकड़ी खाने तथा माथा फोड़ने की नौबत न आती। उसकी आँखों के आगे अंधेरा छा गया, क्योंकि उसकी सारी पोल मैंने खोल दी थी। उसने कसकर मेरे पैर पकड़ लिए और रोते हुए बोला, दया मैं, आपसे बढ़कर दुनिया में और सौभाग्यशाली कौन होगा? आप साक्षात श्री कृष्ण के सखा हैं। हाय, आज यदि कहीं मैं भी श्री कृष्ण का सखा होता और वह श्री कृष्ण कहीं मेरी ओर भी हंसकर देख लेते और कभी अपनी मधुर कोयल सी बोली के द्वारा मेरा भी नाम पुकार कर मुझे बुलाते तो मैं कृतार्थ हो जाता। हाय मेरा दुर्भाग्य, मैं बीच में ही बात काट कर बोल उठा, भाई तुम तो बिल्कुल मिट्टी के लौंदे मालूम होते हो। अरे तुम कृष्ण को समझते क्या हो? है तो वह भी हम तुम जैसा 2 हाथ पैरों वाला, वह कोई ईश्वर तो है नहीं। फिर तुम एक जरा सा प्रश्न पूछ लेते तो क्या वह उत्तर नहीं देता? तुम उससे कहते, भैया श्री कृष्ण मुझे भी अपने साथ खिला लो, तो क्या वह तुम्हें मना कर देता? और मना करने वाला होता ही कौन है? हम सब तुमको अपने साथ मिला लेते। तुमसे कन्हैया से कोई लड़ाई झगड़ा तो है नहीं, फिर तुम क्यों इतना डरते हिचकते हो? मैं तो कहता हूँ, वह तुम्हारी सरलता पर मुग्ध होकर तुमसे सबसे अधिक प्रेम करने लगता। मान लीजिए, यदि वह तुमसे कुछ छेड़छाड़ करके तुम्हें परेशान करता भी तो हम उसे ऐसी पट्टी पढ़ाते कि कन्हैया तुम्हारे पास हाथ जोड़ता हुआ आता। यह सुनकर वह मेरे मुख पर हाथ रखते हुए बोला, बस बस भैया, ऐसी बात मत कहो। आप भाग्यशाली हो, आपके लिए वह बात ठीक हो सकती है, पर मेरे तो वे प्रभु हैं, मेरे आगे वे हाथ जोड़ें यह बात ठीक नहीं। तब मैंने कुछ प्रेम पूर्वक कहा, जी हाँ, आप बड़े अभागे हैं, ठीक है। किसका इतना सौभाग्य है कि श्री कृष्ण को छाती से लगाए और श्री कृष्ण के कर कमल को छाती पर रखकर आनंद अनुभव करें। इस सौभाग्य को तो आपने उस रात में सहज में ही प्राप्त कर लिया था, फिर भी अभागे ही बने रहे। यह सुनते ही वह बहुत विह्वल होकर रो उठा, फिर गदगद होकर बोला, भैया मैं क्या बताऊं? मैंने यह ऐसा काम किया है कि जिसके कारण आप लोगों के सामने मुख दिखाने योग्य नहीं हूं। सचमुच मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। आपको तो मेरी बातें मालूम हो गई हैं। बहुत रोकता हूं, पर यह मेरा मन नहीं मानता। अब उन बातों की याद दिलाकर मुझे लज्जित न कीजिए।
मैं अब तक अपना दिव्य प्रेम छिपाता रहा, परंतु सचमुच प्रेम छिपाने वाली चीज नहीं है। अब मैं जैसा भी हूँ आपके सामने हूँ, जैसा भी हूँ आपका हूँ। अब आप मुझे जो चाहे दंड दीजिए। मुझसे उसकी सरलता देखकर न रहा गया, बाहरी सरलता, मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। मैंने बरबस उसे छाती से लगा लिया। बड़ी देर तक हम दोनों ही खूब रोते रहे। उस रोने में बड़ी विलक्षणता थी। ऐसा मालूम पड़ता था मानो धरती अब फट पड़ी। मेरा रोना तो दयावश था, थोड़ी देर में समाप्त हो गया, परंतु वह अद्भुत प्रेमी रोता ही रहा। मैंने उसके आंसू पोंछकर कहा, ओम, तुम्हारे भोलेपन ने हद कर दी। तुम्हारे इस सच्चे प्रेम पर तो ईश्वर भी सातवें आसमान से खिंचा हुआ चला आता, परंतु यह कृष्ण आदमी नहीं, पत्थर है, पत्थर। तुम व्यर्थ ही रो रहे हो। यह बातें पाप या अपराध नहीं है, यह तो तुम्हारा शुद्ध प्रेम है, यह तो दिव्य भव्य भाव है। इसके लिए दंड कैसा? भैया ओम, तुम्हें श्री कृष्ण शीघ्र ही प्राप्त होगा। तुम धैर्य धारण करो। तुमने बिना मतलब तिल का ताड़ बना डाला। वह बोला, तिल तो आपके लिए होगा, मेरे लिए तो ताड़ ही है। अगर आप कृपा करना ही चाहते हैं तो उनको बुलवा दीजिए ना। ऐसा कहकर वह मेरी ओर प्यासे नेत्रों से देखने लगा। मैं फौरन उठकर चल दिया और पहुंचा श्री कृष्ण के पास। कृष्ण उस समय रोटी खा रहा था। मैंने कहा, कन्हैया रोटी खाकर जरा बाहर आना। श्री कृष्ण ने पूछा, क्यों, क्या है? मैंने कहा, तुमसे मिलने को कोई सज्जन बाहर खड़े हैं। यशोदा मैया उस समय रोटी परोस रही थी। वह समझ गई और बोली, अरे वही दुष्ट होगा, आज मैं कृष्ण को घर से भी न निकलने दूंगी। आज मैं कृष्ण को घर से भी न निकलने दूंगी। तुम लोगों की अक्ल पर पत्थर पड़ गए हैं, देखते नहीं? रोज एक न एक घटना होती रहती है। राक्षस भेष बदल कर आते हैं, फिर भी तुम्हारी आंखें नहीं खुलती। मुझ पर भगवान की कृपा है, इसी से कन्हैया बार बार बच जाता है। तुम लोग किसी भी नए आदमी के साथ कन्हैया को मत मिलने दिया करो। न जाने कौन सा किस रूप में घर आ जाता है। मैया को समझाना तो मानो ब्रह्मा को समझाना है। मैया से सारा ब्रज डरता है। मैंने उनको क्रोधित देखकर उस समय लौटने में ही कुशल समझी। मैं लौट पड़ा, लेकिन मन में यही संकोच था कि अब ओम से जाकर क्या कहूँगा। वह बेचारा आशा लगाए बैठा होगा, क्या कहें, उसका सचमुच दुर्भाग्य है। ऐसा सोचते हुए मैं बाहर आया। बाहर आकर देखा तो वहाँ ओम का कहीं पता न था। बाहर निकलते समय मुझे किसी के भागने की आहट जरूर मिली थी। जब मैंने उसे न देखा तो समझ गया कि इसने द्वार पर खड़े होकर मेरी और माँ की बात सुन ली। बस इसलिए वह निराश होकर भाग गया। उसके बाद कई रोज तक उसे न देखकर मैंने समझा था कि शायद वह दुखी होकर यमुना में न कूद पड़ा हो। बस तब से उस दिन के बाद आज यहाँ वृंदावन आने पर दिखाई दिया है, और मुझे तो मालूम होता है यह किसी वृंदावन वासी का लड़का है। कहीं कन्हैया को देख मोहित हो गया होगा, इसलिए गोकुल जाता था। मुझे तो ऐसा लगता है कि इसी के प्रेम के महान आकर्षण से खिंचकर ही कन्हैया और हम सब तथा सारा गोकुल आज वृंदावन में चला आया है। श्री दामा ने कहा, भैया मनसुखा, तब तो यह बहुत बड़ा प्रेमी होगा। तुमने इसका जिक्र कृष्ण से क्यों नहीं किया? मनसुखा ने कहा, अरे यार, यह कृष्ण भी बड़ा मनहूस पत्थर है। देखने में बड़ा सुंदर और मधुर है। ऐसा मीठा बोलता है कि जो सुने वही इसका दास हो जाए। पर यह हृदय का बड़ा कठोर है। देखो ना, कोई तो उस पर इस तरह
जान दे और यह उसको तिनके की बराबर भी न समझे। इसके दिमाग हमेशा सातवें आसमान पर रहता है। अजी, मैंने कई बार इससे ओम के प्रेम की बात कही, सराहना की, बार बार जिक्र किया, पर हमेशा इसने टेढ़े होकर जवाब दिया, बड़े आए कहीं के भक्त। सुबल सखा ने कहा, अरे यार होगा कोई, सैकड़ों कन्हैया के प्रेमी डोलते हैं, मरने दो इन बातों को, छोड़ो। मनसुखा ने कहा, भैया श्रीदामा, मुझे तो एक दिन बड़ा गुस्सा आया, मैंने तो उसके एक दो हाथ जड़ दिए, होती सो देखी जाती, लेकिन दाऊ जी थोड़ी दूर पर बैठे थे, इसलिए मन मार कर रह गया। जब से कन्हैया ने कुछ राक्षसों को मार लिया है, तब से इसको ऐसा घमंड हो गया है कि बस अब अपने को मानो ईश्वर समझने लग गया। श्रीदामा ने कहा, बात तो ठीक है तेरी, देखो उधर देखो। उसी ओम ने श्री कृष्ण को पकड़ लिया। उधर श्री कृष्ण भाग रहे थे, सहसा ओम ने जाकर पीताम्बर का छोर पकड़ा ही तो श्री कृष्ण ठहर गए। सब सखा भी दौड़ दौड़ कर श्री कृष्ण के पास आ गए। सब सखा मिलकर कृष्ण को घेरने लगे और परेशान करने लगे। दाऊ जी अपने भैया पर विपत्ति न सह सके, बोले, बस रहने दो तुम सब, अकेले श्री कृष्ण के पीछे पड़ गए हो तुम सब। इतने में मनसुखा बोल उठा, ले डालो बीच में बोलने वाले को। बस फिर क्या था, सबने श्री कृष्ण को छोड़कर दाऊ जी को घेर लिया, लगे परेशान करने। अब श्री कृष्ण भी चोर से साहूकार बन गए, अपनी साहूकारी जताते हुए भैया का एहसान चुकाते हुए बोले, अरे सखाओं, मेरे दाऊ भैया से मत बोलो, इस ओम को ही घेरो जिसने कि मुझे पकड़ा है। अपने प्राण प्रिय श्री कृष्ण के मुख से अपना नाम सुनकर ओम का हृदय आनंद और आश्चर्य से भर गया। ओह, नाम कैसे मालूम हो गया, मारे खुशी के उसका हार्ट फेल नहीं हो गया, यही गनीमत हुई। उसने समझ लिया कि अब मैं श्री कृष्ण की सखा मंडली में मिला लिया गया, उसकी जन्म जन्मांतर की मुराद आज पूरी हुई। सखाओं को अपनी ओर आते देख ओम भागा। श्री कृष्ण ओम को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़े। श्री कृष्ण को दौड़ते देखकर सब सखा भी पीछे पीछे दौड़े और सब सखा थोड़ी देर दौड़कर लौट आए, पर ओम और श्री कृष्ण भागते भागते आगे सघन वन में पहुंच गए। दौड़ते दौड़ते सहसा ओम खड़ा हो गया और श्री कृष्ण की ओर मुख करके दोनों हाथ उठाकर ऐसे खड़ा हो गया मानो एक मूर्ति खड़ी हो। उसे हाथ उठाकर खड़े देख श्री कृष्ण भी दोनों हाथ उठाकर ऐसे दौड़े जैसे कोई बच्चा माँ से चीज लेने को दौड़ता है। उस समय का दृश्य देखने ही योग्य था, वाणी दोनों के भावों का वर्णन कर ही नहीं सकती। उस समय ओम की क्या दशा थी, श्वास रुक चुकी थी, हृदय ने काम करना बंद कर दिया था, मस्तिष्क सदा के लिए सो चुका था, फिर भी वह जीवित था केवल एक आलिंगन के लिए। समय की निरंतर चलने वाली हृदय की घड़ी ने टिक टिक की। श्री कृष्ण सखा से आ मिले, दोनों आलिंगन किए हुए थे और परमेश्वर का मिलन था, प्रेम और परमेश्वर का मिलन था। उधर सहसा सखाओं ने सुना कि बड़ा जोर का एक शब्द हुआ फट, उसके अंदर के प्रकाश के साथ कुछ धुआं सा आकाश में उठता हुआ दिखलाई दिया। अनिष्ट की आशंका से वे लोग चिल्लाकर तेजी से दौड़े। वहां पहुंचकर श्री कृष्ण को अकेले खड़े हुए और हा ओम कहकर रोते हुए पाया। तभी तो आज तक वृंदावन में लोग प्रेम से गाया करते हैं कि कहे को कि राक्षस के भैंसों गो ग्वाल भजे वृंदावन का, कहे को बचावन को सुत को, तज नंद ने दीनों महाथन को,
कह कहु कि गोकुल सूख चल्यो, हरी घास खवावन गोवन को। सच पूछो तो बात न और कुछ, सच पूछो तो बात न और कछु, लायो प्रेम मिलावन दौवन को। जय श्री राधे। जय श्री